हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में मैं एमएड सेकंड सेमेस्टर का पेपर 2 शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में। क्वेश्चन पेपर है ये जुलाई 2022 का। इससे पहले मैंने आपके साथ में जुलाई 2022 का पेपर 1 शेयर किया था, फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। वो आपको एमएड क्लासेस की प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा और एक क्वेश्चन पेपर्स के नाम से भी है प्लेलिस्ट, वो उस पे भी आपको मिल जाएगा। और इससे के अलावा भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए हुए हैं बीएड के, एमएड के, तो आप उस पर जाके प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये क्वेश्चन पेपर। और इसको स्टार्ट करने से पहले वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो देखिए पेपर कोड है 17006, एमएड सेकंड सेमेस्टर का है ये, जुलाई 2022 का, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। 3 घंटे का पेपर होता है, टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 20 मार्क्स के आपके इंटरनल्स होते हैं। और जो इसमें आपके 9 क्वेश्चंस होते हैं टोटल, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंपलसरी होता है और जो बाकी की यूनिट्स होती हैं उसमें से आपको एक क्वेश्चन करना होता है हर एक यूनिट में से। तो चलिए देख लेते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए शॉर्ट नोट्स में फर्स्ट दिया हुआ है हमें डिफरेंस बिटवीन एजुकेशनल सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, तो इन दोनों का डिफरेंस बताना है और ये 4 मार्क्स का है। इसके बाद है आपका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड शॉर्ट नोट, एजुकेशन एज अ सोशल सब सिस्टम, सामाजिक उपतंत्र के रूप में शिक्षा। नेक्स्ट है मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण, एंड डी है आपका अर्बनाइजेशन, नगरीकरण। तो ये इस तरीके से आपके 4 शॉर्ट नोट दिए हुए हैं और ये कंपलसरी है चारों करना। इसके बाद में है यूनिट 1, यूनिट 1 के अंदर हमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें से एक क्वेश्चन करना होता है एग्जाम्स में। बट आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। अगर 9 क्वेश्चंस इस पेपर में दिए हुए हैं तो आपको 9 क्वेश्चंस ही प्रिपेयर करने हैं फॉर द एग्जाम्स। तो देखिए यूनिट 1 में आपको फर्स्ट दिया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन इट इन डिटेल द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो सामाजिक संगठन से आप क्या समझते हैं और सामाजिक संगठन को प्रभावित करने वाले कारकों की विस्तार पूर्वक व्याख्या करें। तो यह आपका यूनिट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, 16 मार्क्स का है आपका। इसके बाद में है सेकंड क्वेश्चन यूनिट 1 का, डिस्कस द डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। सामाजिक संगठन की गतिशील विशेषताओं की विवेचना करें, इसकी शैक्षिक उपयोगिताओं की भी व्याख्या करें। तो ये आपका यूनिट 1 का सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके बाद आता है यूनिट 2, यूनिट 2 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज ग्रुप डायनामिक, डिस्कस इट्स प्रोसेस एंड इम्पॉर्टेंस इन लर्निंग। समूह गति की किसे कहते हैं, इसकी प्रक्रिया तथा अधिगम में महत्व की विवेचना करें। तो ये 16 मार्क्स का है ये। इसके बाद आता है यूनिट 2 का सेकेंड क्वेश्चन, यूनिट 2 का सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, What are the main types of stratifications see in Indian society? तो सामाजिक स्तरण से आप क्या समझते हैं, भारतीय समाज में कौन से प्रमुख स्तरण देखे जा सकते हैं। 16 मार्क्स का है ये भी। इसके बाद आता है यूनिट 3, यूनिट 3 में आपको भी, इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कल्चर एंड एजुकेशन इन्फ्लुएंस ईच अदर, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। संस्कृति एवं शिक्षा एक दूसरे से प्रभावित करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, भारतीय संदर्भ में इस कथन की पुष्टि कीजिए। 16 मार्क्स का है ये भी। इसके बाद आता है यूनिट 3 का सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन सोशल मोबिलिटी, हाउ इट कैन बी इंक्रीज्ड, व्हाट आर द कॉन्सेंट्रेंट्स इन सोशल मोबिलिटी। तो इसका मतलब है सामाजिक गतिशीलता को परिभाषित करें, इसमें किस प्रकार वृद्धि की जा सकती है, सामाजिक गतिशीलता में क्या रुकावटें हैं। तो ये 16 मार्क्स का है टोटल आपका। इसके बाद आता है यूनिट 4, यूनिट 4 के अंदर भी आपको 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें से फर्स्ट है आपका, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन सोसाइटी एंड इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। भारतीय समाज के संदर्भ में आधुनिकीकरण की अवधारणा की व्याख्या करें तथा इसके शैक्षिक आशय भी बताइए। तो ये 16 मार्क्स का है। इसके बाद आता है यूनिट 4 का सेकेंड क्वेश्चन, यूनिट 4 का सेकंड क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर इज, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल चेंज, हाउ एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी आर हेल्पफुल
इन ब्रिंगिंग सोशल चेंज, यानी सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, शैक्षिक कार्यक्रम एवं नीतियाँ सामाजिक परिवर्तन लाने में किस प्रकार सहायक हैं। तो ये टोटल 9 क्वेश्चंस आप लोगों को दिए हुए हैं, आपको ये पूरे 9 क्वेश्चंस ही प्रिपेयर करने हैं। इसके अलावा भी मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट पे जाके वो देख सकते हैं। उन सभी क्वेश्चंस को ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा अपने एग्जाम्स के लिए। एंड आई होप कि ये जो वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए अपलोड करती हूँ ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहते हैं। इसी तरीके से वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी और पेपर 3 और 4 भी आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करूँगी एमएड सेकेंड सेमेस्टर का। तो मेरे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटिएगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।